स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आप लोग का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास एर्थ का मोरल साइंस। हम लोग मोरल साइंस पहले जानेंगे क्यों पढ़ते हैं। तो मोरल साइंस आप लोग सिक्स में भी पढ़ा होगा, सेवन्थ में भी पढ़ा होगा, अपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा मोरल साइंस। तो मोरल साइंस आप लोग क्यों पढ़ते थे, जानते थे? तो मोरल साइंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, मोरल साइंस में क्या होती है, 10 स्टोरी 15 स्टोरी क्या होती है, जो स्टोरी होती है हम लोग के लाइफ से रिलेटेड क्या होती है, घटनाएं होती हैं, उसको उसमें क्या किया गया होता है, लिखा गया होता है, बताया गया होता है, जो कि हम उससे पढ़ के और उससे हम क्या कर सके, सीख ले सके, उसको उस पर केयर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, टेक केयर कर सके। तो इसलिए हम लोग मोरल साइंस पढ़ते हैं। हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या होती है, ज़रूरी होती है ऐसे स्टोरी पढ़ना। तो ये रहा, अब हम लोग आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग का आज क्लास एर्थ का मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग इल्डर्स, मतलब बड़ों का अंडरस्टैंडिंग इल्डरली मतलब अपने से बड़ों का देखभाल करना, ख्याल, टेक केयर करना, देखना, यही हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे हम लोग। कोई भी एक और बात बता दूं कि आप अगर ये कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी हो, तो उसके पहले उसको स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग देख ले, क्लियर कर ले। वर्ड मीनिंग जानने से आपको फायदा ये होगा, क्योंकि जब आप वर्ड मीनिंग जानते रहेंगे तो आपको टॉपिक को समझने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। जैसे आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप जब पढ़ना स्टार्ट करें तो वर्ड कोई आया जिसका आप मीनिंग नहीं जानते, तो आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। कि जब वर्ड आपको पता रहेगा उसकी मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो इसीलिए कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ने से पहले आप वर्ड मीनिंग क्लियर कर लें, देख लें, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। वैसे आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो है केयरिंग, मतलब देखभाल, देखभाल करना, केयर करना। इल्डर्स मतलब होता है बड़ा। टुगेदरनेस मतलब होता है एकजुटता, टुगेदरनेस मतलब होता है एकजुटता, ठीक है। अक्वेरियम मतलब मछली घर, ये आपका अक्वेरियम जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, मछली घर होता है। अब जो एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, मतलब शो ऑफ करना, दर्शाना। अब होता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का आप लोग नाम सुनेंगे, जो समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस मतलब होता है समुद्री जीव, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव विज्ञानी, मतलब जीव विज्ञान वाले क्या होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं। ड्रिजिल मतलब होता है बूंदाबांदी, जैसे बारिश होता है बूंदाबांदी कभी कभी, उसको बोलते हैं ड्रिजिल, ठीक है। तो आपने वर्ड मीनिंग को देखा, समझ लिया, अब इसको आप क्या करेंगे, एक कॉपी में नोट्स के तौर पर प्रिपेयर कर लेंगे। जब आप बुक में स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग इल्डरली, मतलब बड़ों का टेक केयर कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोगों के फैमिली में, अगल बगल कॉलोनी में क्या होते हैं, हम लोगों के बड़े, हम लोगों से बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उन लोगों का टेक केयर कैसे करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपके घर में दादा दादी होते हैं, बड़े मम्मी पापा, अंकल आंटी, तो उन लोगों का देखभाल आप कैसे करेंगे। मोस्टली फर्स्ट पे हम चलते हैं दादा दादी। घर में हमारे दादा दादी क्या होते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से वो उतना क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि उनका टाइम से खाना, टाइम से हर एक उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, पानी पिलाना, देख रेख हमें क्या करना चाहिए, उनका करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप लोग बच्चों से कभी दादा दादी कोई बोलते हैं कि बेटा एक गिलास पानी दो, तो आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि ये अच्छी आदत नहीं है, बैड हैबिट्स है। आप अगर ये अपने से बड़ों का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो ये आपकी क्या एक बहुत अच्छा हैबिट्स है, ये आपका बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन है, जिससे आप ये कंटिन्यू रहने से आपके लाइफ में क्या होगा, आप बहुत आगे जा सकते हैं। अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे जो भी कोई भी पर्सन जो आपसे बड़ा हो, उसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि उसका आप सम्मान करें, उसका देखभाल करें। जैसे बड़े भाई हुए, बड़े बहन हुए, उसको भी आप क्या करना चाहिए, उनको भी अगर जो कोई रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो पूरा करना चाहिए। जैसे बोल दी आपके बड़े भाई हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे बड़ा भाई बोल दिया कि एक गिलास पानी देते हो, तब सुनते नहीं है, ये क्या है, बैड हैबिट्स है। अगर जो आप बोल रहे हैं, तो आप उनकी जो
आदेश है, चाहे जो कर उनको क्या करिए आप करिए। जैसे मम्मी पापा कोई भी कुछ बोलते हैं कि बेटा ये काम करो ऐसे करो, तो आप उसको करते नहीं हो। जैसे घर पे मम्मी बोल दे कि बेटा घर पे बैठ के आप पढ़ो, तो आप पढ़ते नहीं हो। जैसे इस टाइम छुट्टी चल रही है, छुट्टी में आप लोगों को स्कूल द्वारा हमेशा वीडियो वगैरह भेजा जा रहा है, वर्क भेजा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि पढ़िए, घर पे बैठ के आप पढ़ते नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं। ये तो एक रहा एग्जाम्पल कि आप उनकी बातों को नहीं मानते। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि अगर जो आपसे जो बड़े हैं उनका क्या करिए, देखभाल करिए। जैसे कॉलोनी में मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके बगल में पड़ोसी में कोई अंकल हैं, आंटी हैं, कोई दादा हैं, दादी हैं, उन्हें कुछ हुआ है, तो आप उनको क्या करिए, केयर करिए। देखिए कुछ नीड आवश्यकता पड़ने पे पानी पिला दीजिए, खाना दे दीजिए। जैसे आप कॉलोनी में निकलते हैं तो साइड में बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, चलते हैं, तो क्या होते हैं, अगर जी कोई अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है तो उनका मदद कर देना रास्ते में। तो ये सब क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ये क्या है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे और एग्जांपल पे हम लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आप स्कूल में आते हैं तो अपने आपके जो जूनियर होते हैं क्या होते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, उसको करते हैं, तो आपकी बातों को मानते हैं। तो आपसे बड़े होने के कारण क्या कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका टेक केयर कर रहे हैं। तो वैसे ही आप अगर घर में हैं, दादा दादी हैं, तो उनकी टेक केयर करना आपकी क्या बनती है, रिस्पांसिबिलिटी बनती है, देख रेख करना रिस्पांसिबिलिटी है। और हर एक जो भी जीवित जानवर है उसका आपको क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सब जो भी पशु भी हैं जो क्या बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं उम्र में, उनका क्या करना चाहिए, बूढ़े हो चुके उनको केयर करना चाहिए। जैसे घर के आ गया आपके हमेशा कुत्ते वगैरह घूमते अगर, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। क्योंकि जो भी जीव है उनको केयर करने से आपके ही मतलब संस्कार, आपके स्किल डेवलप, आपके माइंड में क्या होगा, ग्रोथ होगा, शांति मिलेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और हम लोग वहाँ से आपके दिक्कत को दूर करेंगे, देखेंगे। हाँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।